सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक न्यू वीडियो पे। तो फाइनली हमारी एक और साइट फाइनल हो चुकी है, और ये हमारी साइट थी संत कबीर नगर में, और यहाँ पे काम चल रहा था करीब एक हफ्ते से। तो फाइनल हो चुका है और इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी लंबाई की बात करें तो ये फॉर्म 168 फीट लंबा है, 168 फीट लंबा है, और इसकी विड्थ जो है वो 30 फीट है आउट टू आउट। और ये ओपन बॉयलर शेड जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसको इन फ्यूचर इसको इसी में कन्वर्ट करने का प्लान है फार्मर का, लेकिन अभी फ़िलहाल नॉर्मल शेड ही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्म किस टाइप से बना हुआ है और ये कितनी लागत इसमें टोटल आई हुई है। तो चलिए सबसे पहले बाहर का एरिया मैं आपको दिखा दूं। ये पूरब साइड का एरिया है और उस तरफ पश्चिम साइड का। फैन दोनों तरफ लगा सकते हैं, जैसा इन फ्यूचर इनको सूटेबल लगेगा उस तरीके से अपना फार्म का इंस्टॉलेशन करवा लेंगे, और कूलिंग पैड का जिधर भी लगाना हो वो कर लेंगे। तो साइड साइड में चारों कॉर्नर पे RCC पिलर डले हुए हैं, उसके बाद से आपका 2 इंच का आयरन का स्क्वायर पाइप का पोल लगा हुआ है हर 10 फीट पे। और इधर का एरिया जो था थोड़ा सा ढालू एरिया था, नदी का किनारा है थोड़ा सा, यहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पे नदी गई है, एक लोकल नदी गई है, तो उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है। करीब करीब यहाँ का मैक्सिमम जो बाढ़ लेवल था वो करीब 3 फीट का पानी लगता था, 2.5 से 3 फीट पानी लगता था, इसलिए फाउंडेशन काफ़ी ऊँचा किया गया है यहाँ पर हमने। और नीचे का जो टाई बीम डली हुई है उसके नीचे की जो चिनाई है वो 9 इंच की है, और उससे टाई बीम के ऊपर की जो चिनाई है वो 5 इंच की है। तो करीब करीब इसमें 3 फीट मिट्टी फिलिंग की गई है, और जाली वगैरह बांधने का सिस्टम उसी 5 इंच की चिनाई में सरिया डाल दिया गया है, एक 6 इंच का सरिया काट करके उसी में फंसाया गया है। और अंदर से जो कैंचियों में यूज़ है वो सभी पाइपें स्क्वायर पाइपें हैं, और परलिन में जो यूज़ हैं वो सारी पाइपें स्क्वायर पाइपें हैं, और सभी 1.5 बाई 1.5 इंच की स्क्वायर पाइप हैं, और सबका वज़न जो कैंची में यूज़ किया गया है उसका वज़न भी 16 kg है, 15-16 kg, और परलिन में भी टोटल परलिन 8 परलिन है, और जो सीट लगी हुई है वो 10 फीट की ऊपर साइड में डाली गई है और 8 फीट की नीचे साइड में। तो 10 फीट वाले में 3 सपोर्ट हो जा रहा है पाइप का, और 8 फीट वाले में आपका 2 सपोर्ट हो जा रहा है पाइप का। और यहाँ पे जो डिंकर फीडर लगेगा अभी तो मैनुअल ही डलेगा, जिसको जंबो डिंकर और ये आपका 8 kg का जो मैनुअल फीडर होता है वो डलेगा। जब ये EC में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे अपना ऑटोमेटिक निप्पल सिस्टम वगैरह ये सब डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में साइड की जो जाली लगी हुई है वो भी मुर्गा जाली लगी हुई है, इसमें 2 गेट डाल दिए हैं हमने ताकि लिफ्टिंग में दिक्कत ना हो, गाड़ी कहीं भी आसानी से लगा करके लिफ्टिंग हो जाए। इनका एक फॉर्म पहले से रन था, अब ये दूसरा फॉर्म बना रहे हैं। तो खर्चों की अगर बात करें तो इस फॉर्म को टोटल अभी तक थोड़ा सा फाउंडेशन में खर्चा हुआ है, क्योंकि ये वाली दीवार भी 9 इंच की ही बनाई हुई है इन्होंने। हाँ, अमूमन हम लोग 5 इंच की ही डालते हैं, लेकिन यहाँ पार्टी की डिमांड थी कि हमें 9 इंच की ही डालना है, तो ये दीवार 9 इंच की डली है। तो इस फॉर्म को टोटल बनाने में करीब करीब 8.5 लाख रुपये टोटल खर्चा आया हुआ है, जिसमें मिट्टी का खर्चा अलग है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।